हमारा सेशन शुरू होता है, आप एक एक करके अपने अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। यस बताइए। ओके सर, मुझे जहां तक मैंने आयटा का वेबसाइट ओपन करके मैंने जो स्टडी किया है अभी तक, मुझे ये पता चला है कि तीन टाइप का हम लोग आयटा एक्रेडिटेशन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक तो आयटा स्टैंडर्ड, आयटा ग्लोबल और गोलाइट। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कोशिश किया था गोलाइट में रजिस्टर करने के लिए, लेकिन वो पेज ओपन ही नहीं हो रहा है। फिर जब मैंने आयटा पे एक नंबर लेके मैंने जब मेल किया उनको मुंबई ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल के लिए गोलाइट क्लोज है, आप उसके अंदर रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर मैंने यस बैंक को कॉल किया, यस बैंक वालों ने बोला कि यस बैंक का कार्ड वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास कुछ और तरीका है, जैसे उनके वैलेट में हम लोग पैसे अगर अपलोड कर सकते हैं, तो वो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है पहली बात। और दूसरा चीज ये है कि अगर आयटा को हमारे कंपनी को, हमारी जो टूरिज्म कंपनी को, अगर हम आयटा एग्रीडेशन लेना चाह रहे हैं, तो कितना हमको खर्च आएगा और कितना पैसा जाएगा और कितना टाइम लगेगा इस चीज के लिए, तो आप थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताइए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूंगा कि आयटा के तीन तरीके के लाइसेंस होते हैं। आयटा लाइट, गोलाइट जिसको बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है आयटा स्टैंडर्ड और तीसरा हमारा होता है आयटा ग्लोबल। तो अगर अभी आप लोग अगर एंट्री लेवल के ट्रैवल एजेंट हैं तो आप गोलाइट के लिए जा सकते हैं। गोलाइट में आयटा जो चार्ज करता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 रुपए के आसपास चार्ज करता है, और 20,000 रुपए आपको एज अ रिन्यूअल फीस चार्ज करता है हर एक साल। तो जिस समय आप अप्लाई करेंगे उस समय आयटा आपसे कुल मिला के 40,000 से 42,000 के आसपास आपसे पैसे मांगेगा, जिसमें 20,000 रुपये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा एज अ रजिस्ट्रेशन फीस, और हर एक साल आपको रिन्यूअल फीस के रूप में 20,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि आप अभी मास्टर कार्ड, मास्टर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते इंडिया में। तो इस वजह से आयटा गोलाइट सस्पेंड नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, आयटा गोलाइट सस्पेंड नहीं है। आयटा गोलाइट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया। कृपया आप अपना नाम बताएंगे। अल्ताफ, अल्ताफ हुसैन। मिस्टर अल्ताफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आयटा आपको पेमेंट के लिए वॉलेट की सुविधा देती है। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे आपके मोबाइल में पेटीएम होता है, फोन पे होता है, इसी तरीके से आयटा क्या करती है, आपको वॉलेट की सुविधा देती है। उस वॉलेट में आप अपने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, और जब आप टिकट बनाएंगे तो आपके उस वॉलेट से पैसे कटेगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि आप जो टिकट इशू करोगे, आप अपने बिहाफ पे टिकट इशू करोगे, आपको टिकट इशू करने के राइट्स मिलेंगे। बताइए मिस्टर अल्ताफ। वैलेट का जो कुछ लिमिटेशन है कि 1 लाख ही भरना है या 4 लाख ही भरना है या 10 लाख ही भरना है, उसका कुछ अमाउंट फिक्स है? नहीं, उसका कोई अमाउंट नहीं है। अगर वॉलेट में पैसे कम हो जाते हैं टिकट इशू करते समय, तो आपको वॉलेट को फिर से चार्ज करना पड़ेगा, और फिर से आपको मिनिमम हम कितना उसमें डाल सकते हैं सर? मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो आप टिकट इशू करते हैं, सपोज कीजिए आप इसको पेटीएम के तरह आप इसको एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप मान लीजिए 100 रुपए का पेमेंट करना चाहते हैं और आपके वॉलेट में 90 रुपीज है, तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टिकट इशू करते समय अगर आपके वॉलेट में पेमेंट नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। और एक सवाल है सर, जो आयटा गोलाइट है, आयटा ग्लोबल और स्टैंडर्ड, तीनों के जो सर्टिफिकेट हमको मिलेगी और आयटा जो नंबर मिलेगा, ये तीनों में कुछ अंतर है या तीनों के सेम ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अंतर है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं yatra.com या मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आप देखेंगे मेक माई ट्रिप के कई सारे ब्रांच ऑफिस हैदराबाद में भी अगर आप जाएंगे मेक माई ट्रिप के ब्रांच ऑफिस मिलेंगे, कोलकाता में भी आपको मेक माई ट्रिप के ब्रांच ऑफिस मिलेंगे। तो अगर आप स्टैंडर्ड या आप ग्लोबल के लिए जाते हैं, तो ग्लोबल में चूंकि आयटा ज्यादा पैसे मांगती है, तो आप अपने ब्रांचेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आयटा आपको दो चीजें देती है, हेड एंटिटी करके आपको एक लाइसेंस मिलती है, और ब्रांच ऑफिस के लिए आपको दूसरा, आपको उसी लाइसेंस में आपको अथॉरिटी मिल जाती है। तो आप एक एरिया में भी आप अपना बिजनेस को फैला सकते हैं,
और उसी लाइसेंस पे फॉर एग्जांपल आप यूरोप में लंदन में भी आप अपना ट्रैवल एजेंसी सेटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल पूछिए। मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। यस, आप अपना नाम बताइए और अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, माय सेल्फ असरार सर, मेरा क्वेश्चन यह है कि एक्चुअली इससे पहले भी आपसे बात हुई थी फोन पे सर। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं पिछले 2-3 साल से एक ट्रेवल ट्रेवल एजेंट से काम कर रहा हूँ सर, ऑन कमीशन बेस्ड। ठीक है। आपसे मेरी बात की थी सर, जो आईटा है सर, आईटा के लिए मैं कैसे सर अप्लाई करूँ सर फॉर दिस रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और तमाम लोगों के मेरे ख्याल से यही क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको भी समय दूंगा, मैं हर किसी को समय दूंगा और पहले मैं आपका आंसर देना चाहूंगा। देखिए, आईटा का लाइसेंस लेने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेटल डाउन हो जाए या इधर उधर मूव करेंगे तो आपको ये आएंगी। ओके, चलिए। तो आईटा जो है वो सबसे पहले आपको ये बोलती है कि आपका कोई एक कंपनी बना होना चाहिए, या तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, या एलएलपी होनी चाहिए, या पार्टनरशिप होनी चाहिए, या प्रोपराइटरशिप होनी चाहिए। तो ये चार आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, कोई एक आपके पास हो सकता है। अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है वो किसी न किसी कॉरपोरेशन से या लेबर ऑफिस से जरूर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। जब आप आईटा के लिए अप्लाई करोगे तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए लेबर ऑफिस में या कॉरपोरेशन में, जिसको आप नगर पालिका बोलते हो या म्यूनिसपैलिटी बोलते हो, इनमें आपका शॉप रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, 400 से 500 रुपए में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाती है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए, आपका बैंक का डिटेल्स उनको चाहिए। बैंक का डिटेल्स क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप टिकट इशू करोगे तो टिकट इशू करते समय हो सकता है कि आप टिकट को कैंसिल कर रहे हो, तो आपको रिफंड आपके बैंक के अकाउंट में आपको आएगा। तो आपका बैंक अकाउंट करंट अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सबमिट करना होता है आईटा के पास, ये बोलते हुए कि मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेंगे तो आपको एक कंप्लायंस होती है, उस कंप्लायंस को भी आपको पूरा करना होता है। तो मैं रिपीट कर दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, लेबर सर्टिफिकेट, लेबर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीसरा, आपका बैंक का डिटेल्स होना चाहिए। नंबर फोर, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हैं तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। नंबर फाइव, जो इंपॉर्टेंट है, आप अगर अपने आप को स्टाफ के रूप में दिखाते हैं या आपके ट्रैवल एजेंसी में कोई आदमी काम कर रहा है एज ए स्टाफ, तो आपको उसका ऑफर लेटर, यानी कि आपने उसको जॉब पे रखा है, उसका ऑफर लेटर होना चाहिए। और उसने या तो एयर टिकटिंग का कोर्स कर रखा हो, या उसने कोई अमेडियस, गैलीलियो या सेबर का कोर्स कर रखा, उसका सर्टिफिकेट वहां लगता है। तो इसके पीछे लॉजिक यह है, आईटा ये इंश्योर करना चाहती है कि आपको जब मैं टिकटिंग के राइट दूंगा तो आप सही तरीके से मेरे टिकट को इशू करेंगे और रिफंड कैंसलेशन को आप बीएसपी पे सही तरीके से रिपोर्टिंग कर पाएंगे। सो दैट इज, ये सारे मेन आपके डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात, अगर कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए रिजेक्ट हो जाती है, या कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए इनकम्प्लीट है, तो आईटा आपको फिर से मौका देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर सकते हैं। यस, आप अपना क्वेश्चन पूछिए अब आप। बिल्कुल। सर जस्ट ए मिनट सर, बिल्कुल सर, जो आपने सर का जो एनओसी लानी है सर, ये हमें कहाँ से लानी है सर एनओसी?
ये एनओसी जब आप अप्लाई करेंगे तो ये एनओसी आपको आयटा खुद आपके ईमेल पे भेजती है। मैं बता देता हूँ अच्छा नॉर्मली उसमें क्या होता है। नॉर्मली आयटा उसमें बोलता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहे हो तो आप हमें ये लिख के दो कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे और आपका साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और आपकी कंपनी का स्टैंप लगा होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए, और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो सर, हाँ, एक सेकेंड, आपसे पहले इन्होंने पूछा है तो मैं इनको थोड़ा मौका देना चाहूंगा। आपके पास बहुत समय है तो आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, आप पूछिए। नहीं, आपको मैं मैं एक पूछता मिनट रोक एक मिनट रोकूंगा। आप बताइए, जिन्होंने व्हाइट टी शर्ट पहन रखा है, अपना नाम बताइए और हूँ। अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम मनोरंजन हुआ। जी, थैंक्स फॉर सर, पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा टॉपिक को लेके आप हमारे बीच बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनिशिएटिव के लिए। सर, थैंक मेरा यू। पहला ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका आईटा के लिए, तो इसमें हम लोग डोमेस्टिक, आप तो जो भी काम बताया है कि इंटरनेशनल के लिए, ये डोमेस्टिक के लिए कितना इफेक्टेड है? मान लीजिए मेरा मेरे पास अभी इंडिगो का एयर एशिया का डायरेक्ट लॉगिंग है, और इसमें और इसमें दोनों में क्या फर्क है? यदि हम काम प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताएंगे सर? नहीं, मैं ऑनलाइन देखिए, मीटिंग में था, बोलिए सर। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये ओके, जो नहीं, मैं आपको चार यस एयरलाइंस के नाम लेता हूँ, इंडिगो, गो एयरवेज, एयर यस एशिया और स्पाइस जेट, इन ओके चारों एयरलाइंस को लो कॉस्ट कैरियर बोला जाता है, यानी एलसीसी बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इनसे टाई अप करते हैं, इन एयरलाइन से टाई अप करते हैं कुछ स्पेशल फेयर लेने के लिए, तो इन एयरलाइन का एक ही डिमांड होता है कि हम आपको जो हमारा स्पेशल फेयर होता है वो हम आपको तभी देंगे अगर आप आईटा अप्रूव्ड हैं। यानी कि अगर आप बल्क में टिकट इशू कर रहे हैं, मीन्स कहने का ये है कि अगर आप महीने में 10, 15, 20, 50, 100 टिकट इशू करते हैं तो आपको एग्रीमेंट करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बल्क में टिकट इशू कर रहे हैं, यानी आप खुद B2B का काम कर रहे हैं, आपके पोर्टल पे दूसरे ट्रैवल एजेंट आके टिकट बनाते, जैसे कि मैं दो चार ट्रैवल एजेंसी का नाम ले लेता हूँ, इज माई ट्रिप, रिया ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, ये लोग B2B का आपको ऑप्शन देते हैं। तो जब आप B2B का ऑप्शन लेते हैं तो आपके ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो आपके वेबसाइट पे आते हैं और बुकिंग बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक का मूवमेंट बढ़ जाता है, बहुत सारी बुकिंग शुरू हो जाती है दिन भर में, हो सकता है 400 बुकिंग बन रही हो, 500 बुकिंग बन रही हो। तो एयरलाइन उसी को प्रेफरेंस देते हैं जिनकी बल्क में टिकट बनती है। तो अगर इन एयरलाइन से आप टाई अप करते हैं तो डेफिनेटली आपको आयटा का जो लाइसेंस है, एक आपको पहचान दिलाता है, एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करने में आपकी मदद करता है। अगर आप किसी 5 स्टार होटल से भी टाई अप करते हैं, या कोई एग्रीगेटर है, या कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उससे भी अगर आप टाई अप करते हैं, इवन अगर आप सरकारी ऑफिस में कोई टेंडर निकलती है टिकटिंग के लिए, याद रखिए सरकारी ऑफिस में भी टिकटिंग के लिए टेंडर निकलती है, तो अगर आप वहां अप्लाई करने जाते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि क्या आप आईटा ऑथराइज्ड हैं। अगर आप आईटा ऑथराइज्ड हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपके सवाल का आंसर देना चाहूंगा कि अगर आपकी टिकट ज्यादा संख्या में बन रही है तो आप उनसे टाई अप करें और डेफिनेटली आपको सस्ता फेयर मिलेगा। और अगर आपकी टिकट कम मात्रा में बन रही है तो मैं ये बोलूंगा कि आप कोशिश करें ऐसे B2B प्लेटफॉर्म पे टिकट बनाएं जहां से आपको अच्छी मार्जिन मिल रही हो। ओके, सर, मेरा क्वेश्चन का ये था सर, आपका ठीक रहा क्वेश्चन का। मैंने पूछा, मैं आपने बोला कि जो बल्क बल्क में होना, मेरे को एपीआई करना होगा, राइट? बिल्कुल, एपीआई आपको इंस्टॉलेशन करेंगे। अभी बिल्कुल जैसे कहा कि मेरा, मैं आईटा एजेंट के बाद मैं एपीआई के लिए इंस्टॉलेशन करूंगा, तब ये बेनिफिट मेरे को मिल पाएगा, राइट? यदि बिल्कुल, मैं उस प्लेटफॉर्म में नहीं जाता हूँ तो डायरेक्टली यदि करना चाहता हूँ तो कौन सा माध्यम में करूँ? यदि मैंने डायरेक्टली अगर आईटा आप ले ली, माध्यम देखिए देखिए तो आपको कंपेयर क्या करना होगा, यू नीड टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट इन द सेंस कि आपको करना क्या होगा कि आपको ये देखना होगा कि क्या मुझे B2B प्लेटफॉर्म पे टिकट सस्ती मिल रही है, या मुझे एयरलाइन के जो लॉगिन आईडी, जैसे आपने बोला आपके पास एयरलाइन की लॉगिन आईडी है, तो आपको आपको कहाँ पे आपका फेयर सस्ता मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, B2B प्लेटफॉर्म पे आपको
5,000 रुपीज का टिकट मिल रहा है और एयरलाइन के वेबसाइट पे आपको 5,200 की टिकट मिल रही है, तो डेफिनेटली आप जो है एयरलाइन के वेबसाइट को ऑफर नहीं करेंगे, उनको ऑप्ट नहीं करेंगे, आप ऑप्ट करेंगे B2B पोर्टल पे। तो मेरे कहने का मतलब यह, देखिए होता क्या है कि अभी हम लोग जो ट्रैवल एजेंट होते हैं एंट्री लेवल के होते हैं, सो एंट्री लेवल में हमारा एक ही फोकस होता है कि हम टिकट कैसे बनाए। हम वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से नहीं सोचते हैं, हमें सिर्फ टिकट बनाने का ध्यान होता है कि हमें टिकट बनानी है, लेकिन बिजनेस को फैलाना ये नहीं सोचते हैं आप लोग। बिजनेस मेरे पास कैसे आए उसको सोचिए, अगर बिजनेस आपके पास आना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको सस्ता फेयर मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस कैसे फैलाएं, किसी बड़े स्कूल में जाए वहां पर टाइप करें, किसी यूनिवर्सिटी में जाके टाइप करें, किसी प्राइवेट कंपनी में जाए जहां पे 200-400 हजार लोग काम करते हैं वहां पे जाए सेल्स का काम करें, तो टिकटिंग के आपको राइट्स मिलेंगे, तब आपका काम बढ़ेगा। तब आपका काम जब बढ़ेगा तो आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टिकट बनाएंगे। इंटरनेशनल में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, डोमेस्टिक में बेनिफिट नहीं होगी। मैं सही बता रहा हूं या गलत मुझे रोकिएगा, आपकी टिकट पे आपको डोमेस्टिक में कितना प्रॉफिट होता, 200-300-400 मैक्सिमम पर टिकट ऑलमोस्ट। तो अगर आप इंटरनेशनल टिकट बनाते तो एक टिकट में आपको 3,000-4,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। तो हमारा क्या है कि सोचने का जो तरीका है वो हमारा लिमिट हो गया है। हम ये सोचते हैं कि पैसेंजर आए हम टिकट बनाए, पैसेंजर आए और हम टिकट बनाए, लेकिन पैसेंजर ज्यादा कैसे आए, पैसेंजर इधर से भी आए उधर से भी आए इधर से भी आए, तो इसके लिए आपको सोचना होगा, आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी होगी और फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, मैं इसके बाद पूछूंगा और इस बारी लोग इसे पूछने दीजिए। ठीक है, यस बताइए, आप बताइए, रियान टूरिज्म आपने जो लॉगिन किया वो बताइए आप। यस सर, मैं आपके जो आप बता रहे थे उसमें मेरा सवाल ही भूल गया हूँ, दोबारा याद आ जाएगा तो आप मुझे दोबारा पूछ लीजिए। जी जी नहीं सर, काफी सवाल है। अच्छा, मेरा एक सवाल बेसिक सवाल ये सर ये है कि मैं लगभग 2 महीने से अपना आईटा का वेबसाइट में रजिस्टर किया हूँ, और जब मैं ऑलराइट उसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में तो मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन ही नहीं हो रहा है, वो दिखा रहा है कि दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, तो मैं फिर अप्लाई कैसे करूंगा? देखिए पहले आपको प्रोफाइल बनाना होता है, जब आप आईटा के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आप लॉगिन आईडी बना के आपको प्रोफाइल आपको करना होता है, प्रोफाइल आपको कंपनी की प्रोफाइल बनानी होती है, ईमेल आईडी डालनी होती है, तब जाकर के आप वहां पे आगे बढ़ते हैं। वो मैंने बना दिया है सर। तो अगर ध्यान से देखें कुछ ज्यादा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मैं भी आईटा कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, इट मींस कि जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर मुझे आईटा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो वी चार्ज मिनिमम अमाउंट और हम लोगों को हेल्प करते हैं आईटा लाइसेंस लेने के लिए। सर आप मतलब नॉर्मली कितना चार्ज करते हो सर हमको ऐसे कंसल्टेंसी? देखिए गो लाइट के लिए अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो वी चार्ज 20,000 रुपीज, बाकी सारे डॉक्यूमेंट। कितने समय में हमको मिल जाएगा सर ये? आप देखिए 20 से 25 दिन में मिल जाता, मैक्सिमम आईटा बोलती है 50 दिन, लेकिन 20 से 25 दिन में अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो 20 से 25 दिन में मिल जाती है। कुल मिला के 12-13 डॉक्यूमेंट होते हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको देने होते हैं, तो हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से वही बेहतर रहेगा क्योंकि अभी मैंने ट्राई किया है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो मैं कल आपसे रब्ता करूंगा और बेहतर है कि मैं आपको ही दे दूं और आप मुझे हेल्प कीजिए। ओके थैंक यू। यस हेलो, यस यस सर, जो आपने वो जो गोलाइट वाला उनको बोला था कि 20,000 लगते हैं, वो उसको ही बोलते हैं आईटा ऑथराइज्ड लाइसेंस, उसको ही कहते हैं? देखिए सबसे पहले तो आप इस प्रोसेस को समझ जाइए कि कोई भी ट्रैवल एजेंट खुद से टिकट इशू नहीं कर सकता जब तक आईटा उसको लाइसेंस नहीं देता है। Okay. आपके और एयरलाइंस के बीच में आईटा आती, आप पेमेंट देते हो आईटा को, आईटा पेमेंट देती है एयरलाइन को, तो जब तक आप आईटा से लाइसेंस नहीं लोगे तब तक आप टिकट इशू नहीं कर सकते। okay, तो वो गो लाइट वो लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है? बिल्कुल लाइसेंस होता है, गो लाइट okay. आपको पावर थोड़ी कम मिलती है, स्टैंडर्ड में थोड़ी पावर ज्यादा मिल जाती है, और गो लाइट में सॉरी गो ग्लोबल में आपको सबसे ज्यादा पावर मिल जाती है,
ग्लोबल कैसे मिलता है, फिर कितनी फीस लगती है उसको लेने के लिए? ग्लोबल लेने के लिए आपको बहुत बड़ा एक ट्रैवल एजेंट बनना पड़ेगा, अराउंड 35 लाख से 40 लाख के आसपास आईटा चार्ज करते हैं ग्लोबल के लिए। तो ग्लोबल के लिए जो बड़े बड़े यात्रा .com हो गए, मेक मैट्रिप, ये लोग अप्लाई करते हैं ग्लोबल के लिए। तो जो मिड साइज ट्रैवल एजेंट होते हैं या जो एंट्री लेवल के ट्रैवल एजेंट होते हैं, तो वो लोग गो लाइट के लिए जाते हैं या गो स्टैंडर्ड के लिए जाते हैं। यस गो स्टैंडर्ड का फीस फिर कितना होगा उसका? तो गो लाइट का तो 20,000 बोला है आपने, आईटा ऑथराइजेशन लाइसेंस लेने के लिए, और स्टैंडर्ड का कितना होगा? स्टैंडर्ड का आइटा आपको चार्ज करती है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में, और एवरी ईयर आपको रिन्यूअल फीस इतना ही आपको देना होता है। ओके 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 फाइन। ठीक है, हाँ जी बताइए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। इनको पूछने दीजिए, सर, इनको पूछने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बताइए। मैं पूछूं सर? बिल्कुल पूछिए आप। हाँ सर, सर गो स्टैंडर्ड में आपने जैसे बोला 2 लाख 3 लाख फीस लगेगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए बैंक गारंटी शायद हमको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको देखिए, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं होता है, आयटा एक चीज बोलती है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, आयटा बोलती है कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है, जो आपने रिक्वेस्ट डाला है लाइसेंस लेने के लिए, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट सही है, आपका जो अकाउंट है उसमें आपका ट्रांजेक्शन सही है, उनको अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि आपसे वो जो सिक्योरिटी है, जो डिपॉजिट है, वो ना ले या ले। तो वो क्लियरली बोलती है, वो क्लियरली बोलती है, दिस इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन अबाउट द सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आपको बाद में पता चलेगा सिक्योरिटी मुझे डिपॉजिट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। बट ये मान के चलें, अगर आप एंट्री लेवल के ट्रैवल एजेंट है, तो हो सकता है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वो मांगे। मांगेंगे तो कितना मांगेंगे सर सिक्योरिटी डिपॉजिट? मांगेंगे तो ये थोड़ा सा करीब 6 से 7 लाख रुपए के आसपास सिक्योरिटी मांगेंगे। मतलब जितना वो बैंक गारंटी लेंगे, सपोज उन्होंने मेरे से 10 लाख का बैंक गारंटी लिया है, तो मुझे लिमिट सिर्फ 10 लाख की मिलेगी या ज्यादा भी मिल सकती? नहीं, लिमिट ज्यादा कैसे मिलेगी? अगर आप 10 लाख का दे रहे हैं और पेमेंट आप बुकिंग बना रहे 12 लाख रुपए की टिकट, तो नहीं देंगे वो। तो उससे बेहतर है मैं गोलाइट में जाऊँ ना, मुझे क्या जरूरत? गोलाइट में आप स्टार्ट करें। देखिए, मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, आप गोलाइट से स्टार्ट करें और पहले आप अपने बिजनेस को फैलाएं। जब तक आप अपने बिजनेस को नहीं फैलाएंगे, देखिए मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने दुकान तो खोल लिया, लेकिन मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो मेरा दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे जैसे कस्टमर आएंगे, मेरे सामान वैसे बिकेंगे। आज मैं 10 चीज बेच रहा हूँ, अगर कस्टमर बढ़ेंगे तो कल मैं 20 चीज बेचूंगा, परसों में 30 बेचूंगा, हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 1,000 बेचूंगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। मिस्टर मीर असरार, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। यस बताइए। सर जो हम लाइट लाइट लेते हैं आईडिया का, जो 20,000 का जो मिलता है सर रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर एवरी ईयर हमें वो रिन्यू करना पड़ता है सर? बिल्कुल, वो रिन्यूअल चार्ज आपसे आईटा हर एक साल आपसे मांगेगी। आपसे जो हम सर जो 20,000 सर फिलअप करते हैं, पे करते हैं सर, वो फिर आगे कैसे रहते हैं सर? वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट और कुछ सर? नहीं, वो नॉन रिफंडेबल होता है, हर एक साल आपको 20,000 रुपये आइटा को आपको देने होते हैं आपको। ठीक है, यस, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, बताइए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ गो लाइट में, क्योंकि गो लाइट में ये सबका, मेरे ख्याल से सबका क्वेश्चन होगा, तो गो लाइट लेने के लिए मतलब हमारा फंडामेंटल कितना टिकट, यदि हमारा सेल है तो आई प्रीफर टू गो लाइट, मतलब कि एक एनालिसिस रिपोर्ट क्या बोलती है कि गो लाइट तब लेना चाहिए कि एक आदमी के एवरेज टिकट 100 हो 150 हो, मैं जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए, अगर आप गो लाइट के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 20,000 रुपये पूरे साल के खर्च कर करके अगर आप एक अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट बन जाते हैं, तो सबसे बड़ी ये चीज होती है कि आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है। ठीक है, जहां कहीं भी सेमिनार होगा, जहां कुछ भी होगी, आपको इनवाइट किया जाएगा, आपको मैसेज मिलेगा कि यहाँ पे ये सेमिनार हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप जाइए। वहां पे और भी ट्रैवल एजेंट आएंगे, उनसे जान पहचान बढ़ाइए। एक तो ये बेनिफिट होगा, आपको आइडेंटिटी मिलेगी। दूसरी, इस बिहाफ पे आप किसी दूसरे के साथ भी आप टाई अप कर सकते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। अगर आपकी टिकट की वॉल्यूम हर एक दिन
10 15 20 है तो भी आप जा सकते हैं, तो एक आपको एक पहचान मिल जाती है। तो देखिए कोई भी आदमी अगर आपके शॉप में आता है और आप शॉप में लिखते हैं बाहर में आयटा ऑथराइज्ड, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। आज लोग आंख बंद करके फ्लिपकार्ट और अमेजोन से सामान मंगाते हैं, क्यों? ट्रस्ट बनने की वजह से। तो अगर आपको आयटा का लाइसेंस मिलता है तो एक ट्रस्ट बनता है लोगों पे। तो डेफिनेटली लिमिट कुछ भी नहीं है, गो लाइट लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरा ये फायदा नहीं तो आप 1 साल के बाद स्टॉप कर सकते हैं। आप रिन्यू ना करें तो आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। बट मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को जरूर बढ़ाएं। मुझे इन्होंने जो कर्नाटक से हुबली से लॉगिन किया, इन्होंने बहुत अच्छा आपको बताया कि मैं 50 रुपए पे काम करता हूँ, 50 रुपए के ऊपर मार्जिन रखता हूँ और मैं करता हूँ। अब आप सोच लीजिए दिन भर में अगर मान लीजिए 100 लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो 100 × 50 आप कर दीजिए, 5000 आपको वैसे ही आपको आ जाते हैं। प्लस कौन, ये कर्नाटक वाले यही जो अभी अभी समझा रहे थे? हाँ, ये वाले? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर आपने सही कहा कि मिनिमम मेरा ऑलमोस्ट दिल्ली का 15 से 20 टिकट पर डे रहता है। मैं वो जा, मैं वो आपके बात में समझ गया, मेरा वो डाउट क्लियर हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जो माने ये जो गो लाइट लेने के बाद जो रेट में कितना फर्क, रेट में कुछ जैसे इंटरनेशनल टिकट में तो गैप दिखता है सर, डोमेस्टिक में क्या दिखता है वही मैं जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए डोमेस्टिक में आपको मैं बता दूं, एयर इंडिया और जो विस्तारा है ये आपको GDS में अवेलेबल हो जाती है। बाकी जो LCC एयरलाइंस है, इंडिगो, गो एयरवेज, एयर एशिया और स्पाइसजेट, ये आपको अमेडियस या गैलीलियो पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है? वो सबसे बड़ी ये ड्रॉबैक है आपको, तो ये अमेडियस पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इनसे बुकिंग करने के लिए इनके थ्रू अलग से आपको इनके वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। अरे ये एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है, राइट? डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं यहाँ पे, हाँ बताइए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे एक ट्रैवल एजेंट भाई हैं, उनका नाम गोलाम मोहम्मद है, वो बंगाल से, मुर्शिदाबाद। वो क्या करते हैं कि वो टिकट जो है ना, उनको ग्रुप की टिकट इशू ज्यादा होती है, 50 लोग 20 लोग 25 लोग नॉर्मली। तो वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मुझे ग्रुप का फेयर कहाँ सस्ता मिलता है, तो उस हिसाब से वो टिकट उठाते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपकी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके वॉल्यूम बढ़ेगी, एयरलाइन आपको वैसे वैसे आपको बेनिफिट देना शुरू करेंगे। सर एक मिनट, लास्ट है, पूछिए। सर आपने गो लाइट के लिए जो जो सर्टिफिकेट चाहिए, जो ये GDS में सर्टिफिकेट माने ट्रेनिंग किया हुआ स्टाफ चाहिए, चाहे ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तो चले बराबर है, जो जो जिसके लिए रखेंगे, मतलब चाहे GDS से माने जानकारी हो, ऐसा कुछ चाहिए क्या? देखिए उस जो आप स्टाफ को रखेंगे उसका GDS का कोर्स होना चाहिए, या उसने एयर टिकटिंग का कोर्स कर रखा हो किसी ऐसे वैलिड इंस्टीट्यूट से जहां का सर्टिफिकेट मान्यता होती है, तो वो आप सर्टिफिकेट लगा देते हैं। माने सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जो माने जो भी रहेगा उसका कंपलसरी है, बिल्कुल, चाहे वो GDS हो चाहे कुछ भी हो, राइट? बिल्कुल, ठीक है सर, जरूरी है। हेलो, पूछिए। सर पूछना चाहते, वो जो ऑफलाइन टिकट होती है, सीरीज टिकट होता है, वो कैसे हम परचेस कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना पड़ेगा? सीरीज टिकट के लिए देखिए क्या होता है कि ये बल्क में परचेज होता है। हाँ। और बल्क में परचेज करने के लिए आपको एयरलाइन के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको कम से कम एक आयटा अप्रूव ट्रैवल एजेंट होना चाहिए, तभी आपको सीरीज में टिकट मिलेगी। एक चीज याद रखिए, कोई भी एयरलाइन अगर वो ट्रैवल एजेंट से डील करती है तो वो उसके लिए एक उनका मेन क्वेश्चन होता है कि आप अप्रूव्ड हो या नहीं हो। तो अगर आप आयटा अप्रूव्ड हो तो आपसे बात करेंगे, अदरवाइज आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे। हेलो, यस बताइए सर। जो आयटा का जो ऑथराइज होता है, कभी कभी हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो देखते हैं, तो कुछ कुछ वो लोग बोलते हैं, लाइक जिन लोगों को कुछ भी वीडियो बना के डालते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि फ्री कॉस्ट आप लोग कैसे ले सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है कि आयटा फ्री कॉस्ट देता है या फिर पैसे दे के ही काम होता है? क्या आपको लगता है कि कोई चीज फ्री में मिल जाती है?
इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, इट मीन्स जो लोग ये वीडियो डाल रहे हैं वो तो पप्पू बना रहे हैं फिर ये बिल्कुल आईटा का वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोई भी अगर आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है तो डेफिनेटली आपसे वो चार्जेस लेगा ही लेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आयटा अगर आपको टिकट इशू करने के लिए अथॉरिटी दे रहा है तो डेफिनेटली वो चार्जेस तो लेगा ही लेगा। हाँ एक ओके है, एक TIDS होता है, ट्रैवल एजेंटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, पहचान मिल जाती है, बट आपको टिकट इशू करने के राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ ठीक क्वेश्चन है तो पूछिए क्योंकि अब हमारी ये मीटिंग खत्म होने वाली है 1-5 मिनट में, तो आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना तो पूछिए। यस सर, बताइए लास्ट लास्ट एंड फाइनल बहुत पूछना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर आपके साइड से मैंने सभी के लिए एक ये क्वेश्चन रहता है, तो गो लाइट लेने के बाद क्या क्या चीज में ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि बिजनेस बढ़ाइए, आपका लेने के बाद। जितना बिजनेस बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। मैंने आपको टिप्स बता दिए बिजनेस कैसे बढ़ाने हैं, आपको बिजनेस लेके आना। आप इंतजार मत कीजिए कि मेरे यहाँ कस्टमर आए, आप कस्टमर के घर पे जाइए, वहां से पकड़ के लेके आइए, तब आपकी बात बनेगी। ठीक चलिए सर, है, और इसके लिए मैं आप लोगों को ओके बोलना चाहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनका इस्तेमाल करें, उनको फेसबुक से जोड़े, यूट्यूब से जोड़े, और अपने बिजनेस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यस असरार बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। सर। ये GDS सर, व्हाट इज दिस GDS? सर GDS भी एक कह रहे सॉफ्टवेयर थे होता कि है, GDS एक सॉफ्टवेयर होता है, इसी सॉफ्टवेयर पे आप टिकट बनाते हैं। ये जो मेक माई ट्रिप, यात्रा डॉट कॉम, इज माई ट्रिप है, इनको GDS से ही डेटा मिलता है, तभी आप इनके वेबसाइट पे टिकट बना पाते हैं। तो GDS का कोर्स हम लोग करवाते हैं। ओके GDS का कोर्स अगर आप करते हैं तो 2 महीने आपको लग जाते हैं GDS को कोर्स को करने में, और आपको टिकट जो इशू होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू होती है, वो उसमें आप सीखते हैं। सर क्या कहते हैं सर, अगर ये किसी को आईटा रजिस्ट्रेशन नहीं आती हो सर, फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें बिल्कुल, उनकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं? हम लोग हेल्प करते हैं आईटा रजिस्ट्रेशन के लिए, हम लोग कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं। हमने इस मीटिंग में शुरू में ही हमने बोला था कि वी प्रोवाइड द कंसल्टेंसी सर्विस, तो आईटा के लिए आप हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं। हमने आपको अपना फोन नंबर दे रखा है। यस बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि आईटा की जो फीस, जो ईयरली जो फीस होती है वो किस मंथ से स्टार्ट होती है, दिसंबर से या उनका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता नहीं, उनका दिसंबर से दिसंबर एक साइकिल चलता है। है? हाँ तो मतलब अभी हम करवा सकते हैं। ठीक है बिल्कुल, अभी आप करेंगे तो दिसंबर में फिर वो चार्ज करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर दिसंबर में वो चार्ज करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि और कुछ क्वेश्चंस, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप सर, लोग। मैं ये पूछ रही हूँ, B2B अगर लेना हो तो फिर क्या आपसे कांटेक्ट करना ठीक पड़ेगा है, या खुद ब खुद जाके बिल्कुल करना नहीं, सिखाएंगे? आपकी इज माई ट्रिप पे जाए, वहां पे आपको लॉगिन आईडी बनाएंगे, आपको इजिली आपको बन जाएगी, कोई ओके इन्वेस्ट ठीक भी है, नहीं तो करना पड़ेगा, कोई इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट वो B2B लेने के लिए पहले ट्रैवल एजेंसी रजिस्टर करवानी पड़ेगी फिर देंगे? भी जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप लीगल रूप से काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक कंपनी बनाए, पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप, कोई ना कुछ जरूर बनाया। ओके फाइन बिल्कुल, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को नॉलेज मिला होगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल सकते हैं, आप यूट्यूब में आप जो कमेंट्स डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी। और डेफिनेटली हम लोग टाइम टू टाइम आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। हाँ बताइए, आप बताइए। सर, मुझे मेरे बेटे के लिए कोर्सेज के बारे में जानना था कि आप कौन से कोर्सेज सिखाते हो बच्चों को, क्या है? देखिए हम लोग बहुत सारे कोर्स सिखाते हैं, अभी तो मैं पूरी टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं आपसे सलाह, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करें। ओके ठीक है ठीक वेबसाइट पे है विजिट करने के बाद या आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट करें, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक ठीक है है, तो ठीक है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। गुड नाइट, टेक केयर, बहुत बहुत अपना शुक्रिया सर, धन्यवाद। नमस्कार, ओके थैंक सर, गुड यू सर, नाइट, थैंक यू, बाय थैंक बाय। यू। बाय।